श्री महाकाल, दो मिनट शिक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पता करेंगे जन्म कुंडली में मंगल कैसे देखा जाता है, कैसे पता करें कि जन्म कुंडली मांगलिक है या नहीं, क्योंकि वैवाहिक जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वर वधू में से, लड़के या लड़की में से किसी एक की कुंडली मांगलिक हो तो उसके लिए भी मांगलिक वर या वधू की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सरल तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली मांगलिक है या नहीं, आप कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक लग्न चक्र आपको बना हुआ दिख रहा है और इस लग्न चक्र में 12 भाव बने हुए हैं जिनमें 12 राशियां विराजमान हैं। सबसे पहला भाव होता है लग्न। यदि इस घर में मंगल बैठा हो तब जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाएगा। उसके बाद है चौथा भाव। यदि इस भाव में भी मंगल बैठा हो तो जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाएगा। फिर होता है सातवां भाव। यदि इस भाव में भी मंगल बैठा हो तो जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाएगा। फिर होता है आठवां भाव। यदि इस भाव में भी मंगल बैठा हो तो जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाएगा। फिर होता है बारहवां भाव। यदि इस भाव में मंगल बैठा हो तो जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाएगा। अब मंगल एक साथ तो इन सभी भावों में नहीं बैठ सकता है क्योंकि ग्रह एक ही है। तो इनमें से किसी भी भाव में अगर मंगल ग्रह बैठा है तब उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मंगल के बैठने मात्र से जन्म कुंडली मांगलिक हो जाती है। इसका निर्णय अन्य विषयों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिसे आप आगे आने वाले वीडियो में क्रमशः समझेंगे। लेकिन यदि इन भावों में मंगल बैठा है तो प्रारंभिक ज्ञान यही कहता है कि जन्म कुंडली मांगलिक है। अगर लग्न में बैठा है तब भी चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल के बैठने से जन्म कुंडली को मांगलिक संज्ञा दी जाती है। इसे आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां मेष लग्न है, वृष लग्न है या 12 में से कोई भी लग्न हो, केवल मंगल इन भावों में बैठा हो तो जन्म कुंडली को मांगलिक बना देता है।